रास्ता देख के कुछ अजीब लग रहा होगा ना कि भैया पता नहीं कहाँ ड्राइव कर रहे हैं किस जंगल में पहुंच गए, बट ये कोई जंगल नहीं है लाडलो। और यहाँ पे मैं ऐसा एक्सपीरियंस लेने आया हूँ जो आज तक मैंने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया, अलग ही डिफरेंट लेवल का एक्सपीरियंस है जो फर्स्ट टाइम हो रहा है इंडिया में, और उसका हिस्सा हम और आप बन रहे हैं। उसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। वैसे तो आपको सब पता लग गया, टाइटल वगैरह से, फ़ोटो से सब पता लग गया हम किस बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक बाइक के बारे में, जो फर्स्ट ऐसी बाइक है जो कि बहुत सारे एडवांस फीचर लेके आई है और काफ़ी यूनिक बाइक है। तो मिलते चलो वहीं पे जहाँ पे ये बाइक खड़ी है और जहाँ पे हम इसकी टेस्ट ड्राइव लेने वाले हैं और एक्सपीरियंस लेने वाले हैं कैसी है कैसी नहीं है, वो सब आप लाडलो को बता दिया जाएगा। तो लेट्स गो। सॉरी गाइस, मैं दोबारा शूट कर रहा हूँ बिकॉज फर्स्ट टाइम में मेरा GoPro के साथ माइक अटैच नहीं था। सो मेरे को अब दोबारा से आपको सब कुछ बताना पड़ेगा। सो ये इसका किल स्विच है, यहाँ से ऑफ यहाँ से ऑन। आप इसको ऑफ कर दोगे तो डायरेक्ट थ्रोटल दे सकते हो और साउंड सुन सकते हो सुपर बाइक की। और इसके तीन मोड हैं। इसका फर्स्ट मोड है इको मोड जो कि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक के लिए बना है, और सेकंड मोड है नॉर्मल जो सिटी के अंदर यूज़ कर सकते हो, और थर्ड मोड जो कि स्पोर्ट्स मोड है और बाइक गोली हो जाती है। और ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है यार इस बाइक की, अगर पीछे ड्रम भी होते तो भी काम चल जाता, बट मैं आपको बता दूं कि मैंने राइडिंग गियर नहीं पहन रखे और मेरे को बताया भी नहीं गया था कि राइडिंग गियर आपको ज़रूरी है। सो इसलिए मैं ऐसे ही आया हूँ, वरना राइडिंग गियर तो तुम्हारे भाई के पास काफ़ी है। तो ये इसका लाइट का अप एंड डाउन है डिपर, और ये इसके इंडिकेटर लाइक ड्यूक है उस तरीके के, हॉर्न वैसा ही सिंपल सा छोटा सा, और साउंड यहाँ से बंद हो जाती है सुपर बाइक की और यहीं से शुरू। जब मैं शुरू में इस बाइक को चला रहा था तब मुझे लगा कि मैं इसको लीन नहीं कर सकता, लेकिन अब जैसे ही मेरे को इसकी हैबिट हो गई है तो मैं इसको काफ़ी लीन कर रहा हूँ। अब मैं देखो मैं बताता हूँ कितनी लीन कर पाता हूँ इस बाइक को। ये थी टोपी। सिटी राइड के लिए ये बाइक बहुत ही अच्छी है जो कि आपको स्पोर्ट्स मोड पे भी 80 की एवरेज दे देगी। आपका डेली 80 किलोमीटर इधर उधर आना जाना हो तो आप इजीली कर सकते हो विद स्पोर्ट्स मोड, और थोड़ा सा ज़्यादा हो तो आप नॉर्मल मोड यूज़ करके जा सकते हो। सो इस बाइक पे जो मेरे को फील आ रही है, ये टोपी बहुत आसानी से कर लेती है विली। सो आपको एक्सपीरियंस है तो कर सकती है, और जो इसकी क्वालिटी है वो फ़िलहाल मुझे बहुत अच्छी लग रही है। सो डेली आपको ऑफिस वगैरह जाना हो तो उसके लिए एकदम बेस्ट परफेक्ट इलेक्ट्रिक बाइक है जो कि विद सुपर बाइक साउंड के साथ है। आई एम लविंग दिस यार, प्यार हो गया इस बाइक से, इतनी हल्की सी है और मन कर रहा है कि सारा दिन मैं ऐसे ही ट्रैक पे चलाता रहूं। ओ की हैंडलिंग और कंफर्टेबल उस समय,
चलो फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। ये इसकी हेडलाइट जो DRL है, और ये है हेडलाइट जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है, और इसके जो फ्रंट वाले सस्पेंशन है जो कि काफ़ी अच्छा है, और मतलब जो इस बाइक के लिए परफेक्ट होता है, मतलब वो अभी ये वर्क कर रहा है। स्टॉपी में देखा मैंने, व्हीली में देखा, बिल्कुल परफेक्ट, मज़ा आ रहा है। कहीं ये नहीं है कि सस्पेंशन पूरा दब गया कि नीचे लग रही है। देन उसके बाद यहाँ पे एक डिज़ाइन आ जाता है जो सिंपली एक डिज़ाइन है, ना कि इसके अंदर जाली वाली है, ये वाली। और यहाँ से पूरी पैक है, यहाँ से भी पूरी पैक है बाइक। यहाँ पे एक छोटा सा लॉक है जो हम स्टेयरिंग लॉक कर सकते हैं यहाँ पे। सो ये वाला जो पार्ट है, ये है मोटर का बैक वाला पार्ट, और ये है हमारा मोनोशॉक जो कि काफ़ी अच्छा है, और इसमें हम इसको हार्ड और सॉफ्ट कर सकते हैं। और यहाँ की लुकिंग आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी है, पूरी कवर है। यहाँ पे हमारी डिस्क ब्रेक आ जाती है पीछे वाली, जो कि बहुत ही इफेक्टिव है। मैंने दोनों ब्रेक लगा के रोकी है, बहुत जल्दी रुक रही है बाइक। और ये पीछे से ऐसा डिज़ाइन है कुछ, जो इसका पीछे वाला मडगार्ड है ये काफ़ी लंबा है, इसकी वजह से अगर आप ख़राब वेदर में राइड कर रहे हो तो आपको अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करेगी। और ये सबसे मेरे को बेस्ट पार्ट लगता है, बेल्ट ड्राइव, जो कि आपको कीचड़ वीचड़ में जाओगे तो आपको ना लूब करने की ज़रूरत है, ना क्लीन करने की ज़रूरत है, बिल्कुल ऐसे ही चलाते जाओ। और ये हमारा है एक चार्जिंग पोर्ट, यहाँ पे हमारा चार्जर लगा के हम डायरेक्ट चार्ज कर सकते हैं बैटरी को। और अगर हम इससे चार्ज नहीं करते और हमारे पास इतना टाइम नहीं है और जगह नहीं है हमारे पास, जैसे कि किसी सोसाइटी में रहते हैं या फिर किसी ऑफिस में जा रहे हैं और बैटरी डाउन है, तो हम डायरेक्ट बैटरी को निकाल के ले जा सकते हैं कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे भी एक की है, ये रहा, यहाँ से यहाँ पे की लगाने के बाद ही बैटरी रिमूव होगी, और इसको हटाने के बाद बैटरी निकल जाएगी। इस ट्रे में आप अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो, आपके बिल्कुल सेफ रहेंगे, किसी भी वेदर में आपके जो सामान है वो ख़राब नहीं होगा। ये इसका पावर बटन है, और यहाँ से वो खुलता है। फ्रंट वाला हिस्सा है जो आप गिरा रही है वो यहाँ पे है, और बैक वाला उधर है जो मैंने आपको दिखाया। और यहाँ पे कुछ ऐसी फिनिशिंग है। सो मैं एक फीचर बताना भूल गया, ये जो फुटरेस्ट है इसका, अभी स्पोर्ट्स पे है, मतलब स्पोर्ट्स पोजीशन के लिए सेट किया हुआ है। अगर हम ये वाला फुटरेस्ट उधर लगा देते हैं, वो वाला इधर लगा देते हैं, तो ये नॉर्मल पोजीशन के हिसाब से ये फुटरेस्ट हो जाएंगे। मेरे ख्याल से तो ऐसे ही रखना चाहिए, बिकॉज अब भी काफ़ी अच्छा लग रहा है सीटिंग पोर्शन। मैंने लीन की, सब कुछ किया, ऑसम है यार, मैंने ऐसी इलेक्ट्रिक बाइक कहीं नहीं देखी, ऑसम। तो इस बाइक के साथ मेरा एक्सपीरियंस टू गुड रहा है, ऑसम बाइक है। और MRF के टायर हैं, और मैं MRF के टायर को ज़्यादा अच्छा नहीं समझता, बट फ़िलहाल मैंने जो इसको चलाया है और लीन किया है ना, ऑसम ग्रिप आई है, ऑसम।
सीट काफ़ी अच्छी है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, सीटिंग कंफर्टेबल है और इसके एलईडी इंडिकेटर है लाइक ड्यूक, मतलब जो आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे। और RV 400 इसका नेम है। अगर आप इसको फर्स्ट मोड पे रखते हो तो ये वन चार्ज पे, मतलब फुल चार्ज करने के बाद 156 किलोमीटर चलेगी, और अगर आप इसको दूसरे मोड पे करोगे जो कि नॉर्मल मोड है तब ये बाइक चलेगी 100 किलोमीटर, और अगर आप इसको स्पोर्ट्स मोड पे रखोगे तो ये बाइक चलेगी 80 किलोमीटर, और इसमें कम ज़्यादा हो सकता है आपके चलाने के हिसाब से और वेट के हिसाब से। अच्छे से राइड करने के बाद मैंने कुछ सवाल पूछे जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, जैसे इसकी सीट हाइट कितनी है। इसकी सीट हाइट है 814 mm, जो कि हर राइडर के लिए परफेक्ट रहेगी। मेरा दूसरा सवाल ये था कि इस बाइक की बैटरी की लाइफ कितनी है। तो इस बाइक की बैटरी की लाइफ 7.5 साल है, क्योंकि हमारी जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक बाइक आती है उनकी 1 से 2 साल के अंदर बैटरी खराब हो जाती है, बट इस बाइक की बैटरी की लाइफ 7.5 साल है, जो कि बहुत ही लॉन्ग टाइम होता है किसी भी बाइक के लिए। तीसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि अगर हमारी बाइक राइड करते करते सिटी में अगर बैटरी डेड हो जाती है तो उसमें क्या होगा। तो उसमें ऐसे होगा जैसे हम नॉर्मल पेट्रोल पंप पे पेट्रोल लेने जाते हैं, ऐसे ही कुछ स्टेशन होंगे जहाँ पे हम अपनी बैटरी देके दूसरी बैटरी ले सकते हैं कुछ चार्ज देके। तो ये हमारे जो भाई साहब हैं, बहुत सारे लोगों को टेस्ट, मतलब आवाज़ चेक कराइए। तो ये एप्लीकेशन है एक इस बाइक की, और एक मेन चीज़ और मैं बताना भूल गया पूरी वीडियो में, इसके अंदर इनबिल्ट GPS है, जो कि आपकी बाइक वाइक चोरी होती है तो पता लग जाएगा कि आपकी बाइक कहाँ लेके कौन लेके गया है। मतलब कौन लेके बाद में पता लगेगा, वैसे लेके गया कहाँ लेके गया ये पता लग जाएगा। तो ये एक साउंड है जो कि अभी चल रही है लाइक हायाबुसा, और सेकंड साउंड लाइक डुकाटी। ये मेरे को बेनेली जैसी लगी 600i। नेक्स्ट अच्छी है, फर्स्ट और थर्ड साउंड बहुत ही प्यारी है, और फोर्थ भी बहुत प्यारी है। साउंड अल्टीमेट है, बदल बदल के मज़े लेना, साइलेंसर बदलवाने की जरूरत नहीं, हम तो पता नहीं कितने महंगे महंगे एग्जॉस्ट लगाते हैं। सो अब चलते हैं यहाँ से, मिलिए चलती फिरती तंदूरी चिकन को। मैंने कैमरा लेना है। हाँ जी, तो भाई साहब टेस्ट ड्राइव लेके आ चुके हैं, और दोनों भाइयों ने भी स्टॉपी मारी दबा के और फुल एंजॉय किया पूरा। भाई खुद ही बता दो कैसी लगी। इस सेगमेंट में बैटरी वाली पहली बाइक आई है, और इसमें पावर भी अच्छी, इसमें 3 मोड्स है 1, 2, 3, और तीनों में तो भाई कॉर्नर में 2 और 3 मोड यूज़ कर रहा था, मजा आ रहा था। मैंने तो बब्बू पाजी को बिठा के फुटरेस्ट चढ़ा दी, भाई ने लीन कर दी पूरी। मैं डर हो के भाई नी टच कर दे, एल्बो टच कर दे भाई। मैं आज का 4 किलो वजन कम करवा दिया ट्रैक ट्रैक पे। तो भाई वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताना, काफ़ी मेहनत की है, सुबह से लगा हुआ हूँ क्योंकि सुबह मेरा एक गोप्रो के सीन में माइक नहीं लगा हुआ था, दोबारा माइक लगा के फिर से दोबारा रिकॉर्डिंग करी, बड़ी बसड़ होगी आज बहुत, मतलब सारा दिन लगा दिया मैं यहाँ पे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट। एक मिनट शाउट दो मेरे टाइम चैनल बात रहेगी, एक बात रहेगी भाई, बब्बू पाजी का चैनल है बब्बू संधू के नाम से। हाँ, तो भाई का चैनल जरूर सब्सक्राइब करना।